जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि हमारे फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। वो जो भी चाहते हैं उन्हें ज़रूर मिले, जो सही है उनके लिए, जो पॉजिटिव है उनके लिए। तो डियर, आपको पता है आज हम कितना बड़ा काम करने वाले हैं? कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी और हमने पूछा भी था, तो मोस्टली लोगों ने यही कहा था कि दी आपको करना चाहिए। तो हमें भी लगा कि चलो ट्राई करते हैं। अब देखिए, ये कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोगों को कैसी लगती है, हमने आपसे पूछ कर ही किया है, लेकिन इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा ये भी आप लोगों पर निर्भर होगा, है ना? तो हम इसकी शुरुआत गॉड गाइडेंस से करेंगे। गॉड गाइडेंस से ऐसे कि आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, कुछ लोगों ने क्या मतलब काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि दी आप महादेव का मैसेज दीजिए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो महादेव के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, तो वो जानना चाहते थे कि उनके इष्ट देव महादेव का क्या मैसेज है। अब ये महादेव की बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप महादेव को नहीं मानते तो ये वीडियो आप नहीं देखेंगे, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। और कम से कम ये तो देख लीजिए कि आपकी दीदू कैंडल वैक्स रीडिंग करती कैसे है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी हो रहे हैं। चलिए लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी कंडीशन क्या है, मतलब कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके हिसाब से ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो चलिए, हमने ये जो वाटर आप देख रहे हैं ना, जो पानी देख रहे हैं, हमने पहले इसे एनर्जाइज किया है, मतलब कि धूप में रखा है काफ़ी समय तक इसको, और पूजा कर दी है इस वाटर की, इस पानी की पूजा की है हमने। ईश्वर से बहुत प्रार्थना की है कि प्लीज़, पहली बार कर रहे हैं, सही रास्ता दिखाना, थोड़े से नर्वस भी हैं, तो आप लोग बताना ज़रूर कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, फिर आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। क्योंकि हमारा देखिए कैंडल वैक्स रीडिंग को लेकर कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, बस हमें यही पता चला जब हमने इस पर काफ़ी रिसर्च की। पहले तो जब हमने फर्स्ट टाइम देखी थी ना कैंडल वैक्स रीडिंग, तो हमें बड़ी हंसी आई थी, सच बताएं कि भाई ये क्या है अब। लेकिन फिर हमने इस पर काफ़ी रिसर्च की कि हाँ कैसे होती है, क्या होता है, तो यही पता चला कि ये भी इंट्यूशन पर बेस्ड होती है। मतलब कि कैंडल वैक्स रीडिंग करते वक्त आपको क्या इंट्यूशन आती है, आपको वही बोलना है। तो इसमें हमें लगता है कि काफ़ी मेडिटेट की ज़रूरत होती है, जो कि हमने बहुत ज़्यादा किया है। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो डियर, हमने कैंडल जला ली है, ठीक है? अब आप पॉजिटिव हो जाइए, हम देखेंगे कि आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? बिल्कुल पॉजिटिव रहना। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। आप अपने सभी भक्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बताइए। और हम बिल्कुल अनजान हैं इस रीडिंग से, इस टेक्निक से, तो हमें भी सही रास्ता दिखाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, जी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोग हैं जो कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ स्टक है, वो जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ना वो कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जैसे कि सब कुछ रुक गया है एक ही जगह, कुछ हो ही नहीं रहा उनकी ज़िंदगी में। आपको दिख रहा है
देखिए, वाह। हमें लगता है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं ना, ये आपके करियर से रिलेटेड है। जी, तो आप अपने करियर से रिलेटेड कहीं जाना चाहते हैं सक्सेस के लिए। कुछ लोग हैं शायद किसी से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन ये मिलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में सब बिखर गया है। जो लोग ये रीडिंग अपने लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ इधर उधर फैल गया है और अब उसे समेटना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या किया जाए। समझ रहे हैं? और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, लोग क्या कह रहे हैं। देखिए डियर, अगर आप दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरों का काम कहना ही है, वो कहते रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, हमें भी कहते हैं, हम भी कभी कभी थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हम आपसे प्रोफेशनली कनेक्ट नहीं हैं, हम आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं। इस वजह से फ़र्क पड़ता है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना, सक्सेस चाहिए, तो बहरे बन जाइए। बिल्कुल ऐसा बिहेव करिए कि आपको सुनाई नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। और आपको पता है कि लोग जलते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा जलते हैं आपकी सक्सेस से, जलते हैं आपसे, जलते हैं आपकी पर्सनालिटी से, जलते हैं। समझ रहे हैं? तो आपको लोगों की टेंशन नहीं लेनी है। हमें साफ नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं लोगों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको दिख रहा है? देखिए, हमें यहाँ पर कुछ खास चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही वैसे, लेकिन हाँ, हमें इतना पता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूशन पर बेस्ड है और हमें इस रीडिंग को करते वक्त कोई खास नेगेटिव वाइब नहीं आ रही, हमें बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे कि आपकी लाइफ एक जगह स्टक हो गई है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि किधर जाएं, क्या करें, जैसे कि सब कुछ रुक सा गया है, ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया है। तो इस बात की आपको काफ़ी टेंशन हो रही है। आप कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मूव करने की, पर कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ना आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, ना आपके करियर में कुछ हो रहा है। लव लाइफ में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है और करियर में आगे उन्नति नहीं हो रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर बिजनेस करते हैं तो वो भी वहीं एक जगह रुका पड़ा है। इसके लिए तो हम लॉकडाउन का प्रभाव कहेंगे, समझ रहे हैं, कोरोना का प्रभाव कहेंगे, लेकिन फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। हमें कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत पॉजिटिव हैं, वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं। शायद ये फेमिनाइंस हो, तो ईश्वर उनसे यही कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू रखिए, आपको सक्सेस मिलेगी, कमिटमेंट भी मिलेगा, क्योंकि इसे करते वक्त नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, पॉजिटिव वाइब आ रही है। हमें नहीं पता, लेकिन बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। जितना हम मेडिटेट करने के बाद फील करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहे हैं इस रीडिंग को करने के बाद। सब पॉजिटिव सी बातें आ रही हैं, पॉजिटिव सी इंट्यूशन आ रही है। बस हाँ, कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लोग स्टक हैं अपनी लाइफ में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बातों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि दूसरे क्या कह रहे हैं। तो सबको ईश्वर का सिर्फ यही संदेश है कि थोड़ा सा खुद में बदलाव लाइए, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी दो चीज़ में उलझे हुए हैं, किसी द्वंद्व में उलझे हुए हैं, तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या बेस्ट है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। हमने ज़्यादातर करके देखा है लोगों का कि उनका ये जो पानी होता है वो गोल गोल घूमता रहता है, शायद वो ऐसे हिला देते होंगे ऐसे करके, पर हमारा रुका हुआ है। और पता है आपको, पता है हम सारे काम आपसे पूछ के करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि
दो कंडीशन, मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टेबल होने वाले हैं, जब लाइफ स्टेबल होने वाली होती है ना तो उथल पुथल नहीं मचती, तो फिर पानी में ज्वार भाटा नहीं आता है कोई, समझ रहे हैं। और एक वो कि ज़िंदगी में आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, दो तरह की कंडीशन लग रही है। तो दोनों के लिए ईश्वर का यही संदेश है, दोनों के लिए यही गॉड गाइडेंस है कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का, खुशियों का द्वार खुलने वाला है। जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं ना वैसी ज़िंदगी मिलने वाली है आपको। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है बहुत जल्द, समझ रहे हैं। और कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं ना तो वो जा भी सकेंगे, कोई टेंशन नहीं है। वो जो भी करना चाहते हैं उन्हें उसमें 100% सक्सेस मिलेगी, 100%, क्योंकि जो भी देख रहे हैं ना सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। और थर्ड पार्टी की वजह से जिनका रिश्ता टूट गया है उनसे भी ईश्वर यही कह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बहुत समय तक टिकने वाला नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इस पर्सन की डोर आपसे जुड़ी हुई है, ये कितना भी दूर जाने की कोशिश करे लौट कर इसने आपके पास ही आना है। ये कभी आपसे दूर हो ही नहीं सकता, इसका स्ट्रांग कनेक्शन आपके साथ है। और पता है कई जन्मों का बस अभी अट्रैक्शन है, आकर्षण है, इस वजह से ही ये थोड़ा सा भटक गया है रास्ता। कोई ना, जल्द आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें थर्ड पार्टी इसमें दिख रही है, ये आपको दिख रहा है क्या इसमें? देखिए कुछ कुछ इमेज सी बन रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग ट्विन सोल जर्नी में है ना उनसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि एक तो ट्रस्ट इशू ख़त्म करिए, समझ रहे हैं। ट्विन सोल जर्नी में ट्रस्ट इशू सिर्फ मस्कुलाइन को होता है, तो उसे होने दीजिए, कम से कम आप तो मत करिए, आप स्पिरिचुअल हैं, ट्रस्ट इशू मत रखिए। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, अपने आप को पहचानिए, अपने सोल पर्पस को पहचानिए, ट्रस्ट इशू मत रखिए, उसके पीछे मत भागिए, ठीक है। देखिए हमने थोड़ा सा ये पानी घुमाया है, पहली बार कर रहे हैं ना, थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ हमें बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आ रही, तो हम सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोलने वाले हैं। जो लोग बुरा सुनने के लिए बैठे हैं ना उनसे हम कहेंगे कि सॉरी, आज तो कुछ भी बुरा बोलने वाले नहीं हम, क्योंकि हमें पता है इतनी अच्छी वाइब आ रही है, जितना जब हम कोई अच्छा सा मेडिटेशन करते हैं ना, योग निद्रा करके उठते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बड़ा सुकून सा महसूस होता है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। और ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोलें कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। देखिए यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का अवेकिंग प्रोसेस चल रहा है, अवेक हो रहे हैं, तो उन्हें इस बात का भी डर है कि वो इस वक्त स्पिरिचुअलिटी पर फोकस कर रहे हैं तो कहीं वो मस्कुलाइन को ना खो दें, कहीं वो अपने करियर में पीछे ना रह जाएं, वो स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करें या फिर अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें। तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स आपको और आपके प्यार को प्रोटेक्ट कर रहा है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। और जिनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है ना, जैसे कुछ लोगों की लाइफ में साथ कुछ ख़त्म हो गया है, तो उनसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ का अंत होता है ना तो बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होने वाली होती है। आप किसी नेगेटिव रिश्ते में थे या फिर कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में जो कि नेगेटिव था, तो वो ख़त्म हुआ, अब पॉजिटिव चीज़ों की बिगनिंग होने वाली है, अब पॉजिटिव चीज़ों की शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। हमेशा दुख ही थोड़ी ना रहेगा, लेकिन आपको लगता है आपकी ज़िंदगी एक तलवार के नोक पर टिकी हुई है। कुछ लोगों की ज़िंदगी, शायद कुछ लोग मैरिड हैं जो किसी से प्यार करते हैं, तो उन्हें लगता है कि इधर जाएं या उधर जाएं, उन्हें लगता है कि वो दोनों के बिना नहीं रह सकते, उन्हें दोनों चाहिए, प्यार भी चाहिए और उनकी वाइफ और हस्बैंड वो भी चाहिए। उनकी लाइफ जैसे एक तलवार की नोक पर टिकी हुई है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस तरह की, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि मेरी डिज़ायर पूरी नहीं होती, मेरी जो भी मैं चाहता हूँ उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है, उसके लिए है उन्हें ब्लैक टर्मोलिन करके एक स्टोन आता है, वो आपको रखना है अपने घर में,
करना है या फिर आपको ब्लैक टर्मोलिन स्टोन का ब्रेसलेट पहनना है। वो क्या करता है, उसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म करता है, उसे पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है, तो आप बचेंगे नेगेटिविटी से, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में जो भी रुका हुआ है ना, जो भी स्टक है, जैसे कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है ना करियर में ना लव लाइफ में, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, समझ रहे हैं। जो आपकी लाइफ रुकी हुई है ना, देखिए सब कुछ रुका हुआ है, तो सब कुछ शुरुआत हो जाएगी, चल पड़ेगा आगे। जैसे कि आप किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, अपने करियर में जॉब करते हैं तो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, सैलरी कम मिल रही है तो टेंशन ले रहे हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक ब्लैक टर्मोलिन पहनिए, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, सब कुछ, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो देख तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन 4 दिन करते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, जो भी आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, उन पर यकीन करना सीखिए, ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। वो गलत नहीं कहते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, और आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं। और आपको पता है शिव जी कहते हैं विश्वासो फलदायका, विश्वास ही सफलता की पहली कुंजी है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ में आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को ईश्वर कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उसे कमिटमेंट देना चाहते हैं किसी भी तरीके का, किसी को भी, तो अभी कमिटमेंट देने से बचें, समझ रहे हैं। पहले चीज़ों को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप कमिटमेंट दीजिए। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, पर हाँ पहली बार किया है लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ बन गया है, जैसे कि एन बन गया है, हो सकता है कि किसी के पर्सन का नेम हो, कुछ ए सा बन गया है, के बन गया है, एच बन गया है, पी बन गया है, टी बन गया है, ई भी दिख रहा है हमें। इसके द्वारा एंजल जरूर कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि किसी के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है जिनके द्वारा आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। आपके प्यार की डोर बहुत लंबी है, देख रहे हैं लंबी सी डोर लटक रही है। आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, लेकिन आप उसे अनकंडीशनल रखिए, शर्तें मत लगाइए अपने प्यार में, समझ रहे हैं। ईश्वर यही कह रहे हैं कि सच्चे प्यार का मतलब होता है कि अनकंडीशनल लव, विदाउट रीजन प्रेम करना। ज़रूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपको उतना ही प्यार देगा। प्यार कोई व्यापार नहीं होता है जिसमें लेन देन कर सके कि भाई जितना तुम दोगे उतना ही हम भी देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ कम ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ तो बस प्यार तो प्यार होता है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा, उसके हिसाब से। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है डियर। हमें देखिए बिल्कुल नेगेटिव वाइब नहीं आई, पॉजिटिव सी वाइब आई, और जो जो इंट्यूशन आ रही थी वो हमने बोला है, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट हुआ होगा, आप लोग हमें बताना ज़रूर। लेकिन हमें इतना पता है कि आपकी ज़िंदगी में ओफो, देखिए देखिए कितनी लंबी डोर है, देखिए दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, देखिए 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 ये रिश्ते की डोर है आपके। हमें ये भी वाइब आ रही है कि किसी का रिलेशनशिप है ये, और ये जो टूटने से टूटेगा नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा, जो आप लोगों के दरमियान आएगा ना वो टूट के गिर जाएगा, पर आप लोगों का प्यार नहीं टूटने वाला। हमें ऐसी वाइब आ रही है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आप लोग अनंत जन्मों के साथ हैं और अनंत जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो भी आपके रिश्ते में आग लगाने की कोशिश करेगा वो खुद ही दूर हो जाएगा। स्पेशली ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए बोल रहे हैं, सोलमेट जर्नी वालों के लिए बोल रहे हैं। तो इस वजह से अपना रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत पॉजिटिव वाइब आई हमें इस रीडिंग को करते वक्त। हमें बस ऐसे ही लग रहा है कि हम आपको कह दें कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं, वो अपने आप को जानने वाले हैं। बस आप सबको थोड़ा सा खुद के अंदर परिवर्तन लेकर आना है, और वो ये है कि स्पिरिचुअल टाइप का परिवर्तन, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो लाइफ में रुका हुआ है, समझ रहे हैं। जैसे कि आपको लगता है कि सब कुछ स्टक है, तो ब्लैक टर्मोलिन पहनना है या फिर अपने घर में रखना है, इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में
पॉजिटिविटी की शुरुआत होगी। ठीक है, हमें बहुत पॉजिटिव आई बाई, वैसे तो ये सब हम जिंदगी में करने वाले नहीं थे, आप लोगों की वजह से कर भी लिया, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे कि मेडिटेशन करने के बाद फील होता है। तो डियर बहुत पॉजिटिव है, ईश्वर का यही संदेश है कि खुद के अंदर परिवर्तन लाइए, थोड़ा मेडिटेट करिए, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, डिसीजन लेने में कन्फ्यूज्ड हैं तो अपनी अंतरात्मा को फॉलो करिए, आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा आपके इंट्यूशन के थ्रू। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी, आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और देखिए इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं, और जो अभी हम शायद आप लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को क्या नज़र आया आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ध्यान से देखिए इसे, क्योंकि ये सबके मन पर निर्भर होता है, आपके मन में क्या चल रहा है उसी हिसाब से चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, आपके मन के हिसाब से। तो जय श्री कृष्णा, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।